दोस्तों एजुकेशन एकेडमी के करंट अफेयर्स एवं न्यूज डेस्क में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक दो दिनों के जो है महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी होंगी। यद्यपि घटनाएं तो बहुत ही घटती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं, तो हम केवल उन्हीं घटनाओं को जो है कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न लेक्चर में हम लोग सबसे पहले दिवस को रखते हैं, तो 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम किसी दिवस को उसके कारण को भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए उस प्रश्न को याद करना आसान हो जाता है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पहली बार ये आम सहमति व्यक्त की गई कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी। अर्थात इसी कारण से 14 सितंबर को ही जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये देख लेना है कि भारत में हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। कई बार इस तरीके के कंफ्यूजन क्वेश्चन में किए जाते हैं, तो इसलिए इसे जो ध्यान में रखने की जो है आवश्यकता होगी कि ये जो है राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा है। और इसी के कारण से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा आम सहमति व्यक्त करने के कारण से ही इसे जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है नुआखाई, ये क्या है? अभी हाल में ही जो है ये चर्चा में था। नुआखाई एक जो है उत्सव है, ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में विशेष रूप से मनाया जाता है और यह जो है कृषि से संबंधित जो है उत्सव है। तो ये भी जो है नुआखाई, कभी कभी इस तरीके के कार्यक्रम भी जो है जो क्षेत्रीय होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित सवाल भी जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नुआखाई जो है वो कृषि से संबंधित एक उत्सव है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण जो है जानकारी या करंट अफेयर से संबंधित रिलेटेड रहा है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ओरका, ये क्या है? ओरका क्या है? और का एक महत्वपूर्ण जो युक्ति है जो कि एयर से जो है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस तरीके से लगाया गया युक्ति और संयंत्र है जो कि आइसलैंड में लगाया गया है। आइसलैंड, क्योंकि ये जो है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि से जो है निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पहल और प्रयास है, इसलिए ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और का जो है ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है, आइसलैंड में इसे लगाया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है पहल है। अगली महत्वपूर्ण बात संसद टीवी, अभी हाल में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है संसद जो है टीवी जो चैनल बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पूर्व में दो टीवी चैनल थे, एक तो राज्यसभा टीवी था और दूसरा जो है वो लोकसभा टीवी था। इन दोनों ही चैनल को मर्ज करके जो है वो संसद टीवी बना दिया गया है। ये देश के जो है करंट अफेयर्स और न्यूज़ से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, संसद टीवी इसे बना दिया गया है। और अभी हाल में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो 13वें जो है ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। COVID-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन वर्चुअल किया गया है, यानी कि फिजिकल नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक दूसरे देशों में आने जाने और COVID-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इसे वर्चुअल इसका आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और ध्यातव्य है कि ब्रिक्स दुनिया के जो है उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का जो समूह है जिसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। इसका पहला जो सम्मेलन था वो रूस के एकतेरिनबर्ग में जो है किया गया था 2010 ईस्वी में, इसमें साउथ अफ्रीका को भी जो जोड़ा गया था। तो ब्रिक्स हो गया था, ये पहले जो है ब्रिक था फिर बाद में ब्रिक्स हो गया। इसके लिए अमेरिका में जो है 2006 में जो है इन चारों देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और बाद में 2000
1999 में अपने जो है औपचारिक रूप से वर्तमान स्वरूप में आया और ब्रिक्स के जो है देशों को ही जो है R5 के नाम से भी जो है जाना जाता है। इनके जो है मुद्रा का नाम सभी देशों का R से प्रारंभ होता है, इसीलिए इसे R5 भी कहा जाता है। ब्राजील का जो है वो रियल है, रसिया का जो है रूस का रूबल है, इंडिया का रुपया है, चाइना का रेनमिनबी है और साउथ अफ्रीका का जो है वो रैंड है। तो इसलिए रेनमिनबी को ही जो है युआन भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये R5 के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसका कि 13वां जो है शिखर सम्मेलन अभी हाल में संपन्न हुआ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो ये थी जो है इस तरीके से दो महत्वपूर्ण जो है न्यूज। अभी कुछ और न्यूज को इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसी बीच गुजरात के जो है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा जो है इस्तीफा देने के बाद वहां पर विभिन्न नेताओं से जो है चयन की प्रक्रिया जो है संपन्न हुई और भूपेंद्र पटेल को जो है वहां पे भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, किसे किया गया है? भूपेंद्र पटेल को। तो ये भी जो है हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा, तो नज़दीकी परीक्षाओं में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये अलीगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो अलीगढ़ में की गई है। तो ये भी सवाल जो है महत्वपूर्ण हो सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन पूर्व में पूछे भी जाते हैं। और अब हम चलते हैं खेल दुनिया की तरफ। जो है वर्तमान समय में जो अमेरिका में जो है इस वक्त US ओपन चल रहा है और वहाँ पर अभी हाल में ही जो है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को जो है हरा करके पुरुष एकल यानी कि US के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। कौन जीत लिया? डेनियल जो है मेदवेदेव, किसे हरा करके? नोवाक जोकोविच को। खेल की अगर दुनिया से देखा जाए तो यहाँ से सवाल, यानी कि जो है ग्रैंड स्लैम जो हमारे पूरे दुनिया में जो होते हैं चार बार होते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जो फ्रेंच विंबलडन और इसी तरीके से अमेरिका में जो होता है तो US ओपन के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो उसका क्रम भी है जो है पहले ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जो फ्रेंच होता है फिर जो है विंबलडन होता है और फिर उसके बाद जो है US होता है। तो ये इस क्रम में जो है इसका आयोजन किया जाता है और इसके साथ ही जो है ये संपन्न हो जाता है US ओपन। तो US ओपन का जो है सिंगल मेल यानी कि पुरुष एकल का खिताब जो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीत लिया गया है। तो ये थे पिछले एक दो दिन और आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि घटनाएं बहुत होती हैं लेकिन हमें इस बात का जो है विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है कि उनमें कौन सी जो है ऐसी घटना होती है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को हमने इसमें जो है कवर करने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण जो है घटनाओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।